हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में जैसे 375 लोग करने थे ऑल ओवर इंडिया, और उसमें से पहले 50 करने थे जिसमें हमने लो डोज देकर देखना था कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। तो जो पहला चरण है फेज़ वन का वो कंप्लीट हो चुका है और 50 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और उनका डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड जिसने चेक करना था कि ये वैक्सीन को आगे दिया जाना चाहिए या नहीं, उनके पास चला गया था और उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। और अब ये वैक्सीन आगे बाकी बचे हुए लोगों को भी लगाई जाएगी। तो अभी हम लोगों ने फेज़ वन का पार्ट टू शुरू कर दिया है और आज हम लोगों ने 6 लोगों को वैक्सीन लगाई है, और अब हमने 325 लोगों को ऑल ओवर इंडिया वैक्सीन लगानी है ताकि ये फेज़ वन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। अभी रोहतक पीजीआई में 26 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है आज की डेट तक। अभी तक हम लोगों ने जैसे जो 20 लोगों को पहले वैक्सीन लगाई थी उनमें किसी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, उन सब ने वो वैक्सीन बहुत अच्छे से टॉलरेट करी है। और अब अगले हफ्ते हम उनको दूसरी डोज भी देने वाले हैं। हमने ये वैक्सीन 2 डोजेज़ में देनी थी, एक 0 डोज जिस दिन उनको वैक्सीन लगाई और एक 14 दिन के बाद। तो अब अगले हफ्ते हम उनको सेकेंड डोज भी देने वाले हैं, और उसके 2 हफ्ते के बाद हमें ये नतीजे पता लगने लग जाएंगे कि वैक्सीन कितनी काम कर रही है, कोविड से बचाव के लिए क्या उसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगले 3 हफ्ते तक हमें वो डाटा हमारे पास आ जाएगा, और हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है।